हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन क्या था, इसे फंक्शन के श्रेणी में क्यों रखा जाता है, ये सब सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। तो बाइनरी ऑपरेशन मान लीजिए क्या था, तो दो नंबर को ऑपरेट करने पर जो नया रिजल्ट आता है, दो नंबर को ऑपरेट करने पर जो नया रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन लगा रहे हैं, यहाँ स्टार लिखा हुआ है, यहाँ ऑपरेशन में बताए थे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, मीन, मैक्स, मीट, ज्वाइन, बहुत सारे जो ऑपरेशंस हो सकते हैं उसमें कोई भी एक ऑपरेशन यहाँ पे या स्टार उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। स्टार के यहाँ पर आप कोई भी उन ऑपरेशंस में क्या कर सकते हैं, इसमें ले सकते हैं। तो वहाँ तक हम लोगों ने देखा हुआ था कि डेफिनेशंस क्या था बाइनरी ऑपरेशन का, और एग्जाम्पल देखे हुए थे कुछ कुछ कि इसको कौन से बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए वो डिपेंड करता है कि वह सेट कैसा है। तो आज हम लोग देखेंगे उसी में हम लोग को पढ़ना है एक और टॉपिक कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन अ फाइनाइट सेट, मतलब कोई फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, कितने बाइनरी ऑपरेशंस का फॉर्मेशन हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन अ फाइनाइट सेट। कोई फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कैसे डिफाइन करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग एक चीज पढ़े हुए थे रिलेशन में, जब कोई एक सेट है, कोई एक सेट ए है, और कोई सेट ए में यदि मान के चलिए दो एलिमेंट हैं, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि हम लोग ए क्रॉस ए लेते थे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे चार। तो आता था वन वन, फिर हो जाएगा वन टू, फिर टू वन, टू टू। यदि कोई सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट यदि थ्री हैं, यदि मान के चलिए कोई एलिमेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट वन टू थ्री ले लिए हैं, तो इसका ए क्रॉस ए क्या था जी, ए वन टू थ्री क्रॉस वन टू थ्री, तो ए क्या होता था वन वन, फिर वन टू, वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू एंड थ्री थ्री। तो ये टोटल यहाँ पे एलिमेंट कितने होंगे, थ्री थ्री सिक्स एंड थ्री नाइन। मतलब यहाँ देख सकते हैं यदि नंबर ऑफ एलिमेंट यदि दो हैं तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, चार। यदि कोई सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट थ्री है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नाइन। इसका मतलब बोल सकते हैं कोई सेट में यदि चार एलिमेंट है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, मतलब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 16 एलिमेंट हो जाएंगे। ये चीज़ हम लोग जब रिलेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सब सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ था, बस उसी का यूज़ करते हुए हम लोग को यहाँ पे काम करना है। तो लोग जानते हैं, लेट कर लेते हैं, ए इज़ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एम एलिमेंट, लेट कर लेते हैं, लेट ए इज़ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एम एलिमेंट्स। मान लीजिए ए कोई फाइनाइट सेट है जिसमें एम एलिमेंट्स हैं, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा जी, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, दो था। यदि सेट ए में दो एलिमेंट तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो का स्क्वायर,
सेट ए में थ्री एलिमेंट तो उसके कार्टिजन प्रोडक्ट में थ्री का स्क्वायर, यदि सेट ए में फोर एलिमेंट तो उसके कार्टिजन प्रोडक्ट में फोर का स्क्वायर। तो यदि बोल सकते हैं सेट ए में यदि एम एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टिजन प्रोडक्ट इज ये हो जाएगा एम स्क्वायर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट वहाँ पे कितना हो जाएगा जी, एम स्क्वायर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं ए क्रॉस ए, तो बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टिजन प्रोडक्ट ए स्क्वायर ए क्रॉस ए, तो एम इंटू एम ए बराबर कितना हो जाएगा एम स्क्वायर। ये एलिमेंट का संख्या किस में हो जाएगा, कार्टिजन प्रोडक्ट में। और हम लोग ये भी जानते हैं एक चीज़, अब फंक्शन में पढ़ रहे थे कि यदि सेट ए में एम एलिमेंट है, यदि सेट ए में एम एलिमेंट है और सेट बी में एन एलिमेंट है, यदि सेट ए में एम एलिमेंट है एंड सेट बी में यदि एन एलिमेंट था, तो था वहाँ नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितना हो जाएगा जी, तो होता एन का पावर एम। तो बोले थे नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए से बी की ओर जो फंक्शंस होगा, तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला ये था एन का पावर एम। ये भी हम लोग देखे थे कि नंबर ऑफ फंक्शंस दो सेट हैं उस पर नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे, वन टू फंक्शंस कितने होंगे, ये सब सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, वी नो दैट इफ़ द सेट ए हैज़, हम लोग जानते हैं इफ़ वी नो दैट इफ द सेट ए हैज एम एलिमेंट्स, एम एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज एन एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज, नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होता था जी, एन का पावर एम। नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता था, एन का पावर एम होता था, ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए थे। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, सिंस बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालना है, तो सिंस बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए इज अ फंक्शन, हम लोग जानते हैं सिंस बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन, तो नंबर ऑफ जो बाइनरी ऑपरेशन है सेट ए में वो क्या होता है, फंक्शन होता है। कहाँ से कहाँ जी, तो नंबर ऑफ बाइनरी इज अ फंक्शन बोल सकते हैं फ्रॉम कहाँ से कहाँ, तो ए क्रॉस ए से कहाँ की ओर, ए की ओर, ए क्रॉस ए से ए की ओर। यदि नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी ली तो एन का पावर एम हुआ, तो नंबर ऑफ फंक्शन हमें कहाँ से निकालना है जी, बाइनरी ऑपरेशन भी एक तरह का फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन कहाँ से कहाँ है, तो ए क्रॉस ए से कहाँ तक था, ए तक, यही हम लोग डिफाइंड किए हुए थे पिछले वीडियो में। तो यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर हो जाएगा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस में नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फंक्शंस बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम कहां से कहां जी, ए क्रॉस ए टू ए, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अभी देखें कि क्या था, अभी नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते थे, सेट ए से सेट बी की ओर, वो क्या होता था कि एन का पावर एम, और यदि एक सेट ए में यदि एम एलिमेंट है तो उसके कार्टिजियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, और नंबर ऑफ फंक्शंस यदि सेट ए में एम एलिमेंट है और सेट बी में यदि एन एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी में क्या था, एन का पावर एम। तो इन्हीं दोनों के हेल्प से देखिए, और हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है या एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ, ए क्रॉस ए से कहाँ तक, ए की ओर। हम लोग एग्जाम्पल लिए हुए थे कि R क्रॉस R टू R, N क्रॉस N टू N, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हुए थे। तो A क्रॉस A टू A, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A क्या होगा, नंबर ऑफ फंक्शन कहाँ से कहाँ जी, A क्रॉस A से A में जितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वही उसका क्या होगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ये कितना हो जाएगा, N
नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में कितना है एंड नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ जो फार्मूला इसके हेल्प से यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ध्यान देना यहाँ इसके हेल्प से यहाँ पे, यहाँ क्या था नंबर एम सेट ए में, सेट ए में एम एलिमेंट, सेट बी में एन एलिमेंट, तो क्या हुआ एन का पावर एम, तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हुआ एन का पावर एम। तो यहाँ ए क्रॉस ए से ए की ओर जा रहा है, यहाँ जो है ए से बी की ओर गया, तो बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसका पावर क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए। तो यहाँ पे ए, ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए से ए की ओर गया है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे जी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। जैसा कि यहाँ पे था कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यदि नंबर ऑफ फंक्शंस निकालते थे ए से बी तो ये होता था एन का पावर एम, और एन क्या था तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो आगे की ओर था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हम लोग मान लिए कितना जी एम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हो जाएगा एम, और ए क्रॉस ए में टोटल कै गो एलिमेंट है तो एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फार्मूला कितना जी एम का पावर एम स्क्वायर। तो बोल सकते हैं यहाँ से देयरफॉर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इज इक्वल टू एम का पावर एम स्क्वायर। यदि कोई सेट ए में यदि एम एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना हो जाएगा एम का पावर एम स्क्वायर। यदि इसको एक एग्जांपल से समझे और इसको नोट कर लें, यदि कोई सेट ए में, सेट ए हैज थ्री एलिमेंट, यदि सेट ए में तीन एलिमेंट्स हैं तो बोल देगा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ए कितना हो जाएगा जी थ्री का पावर, हो जाएगा थ्री का पावर टू, तो होगा थ्री का पावर नाइन, और थ्री का पावर नाइन जो होगा वो निकाल दीजिएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब वो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इस फॉर्मूला से, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, कोई सेट ए में नंबर ऑफ कोई सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट दिया रहेगा तो बोल देगा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, तो वो ये फार्मूला किसके हेल्प से आया, तो नंबर ऑफ फंक्शंस के हेल्प से जो हम लोगों ने फंक्शन में बताया हुआ था। चलिए इसको नोट कर लें, ये इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस के कौन कौन से टाइप हैं ये हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से पहला ये है कॉमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कॉमुटेटिव कॉमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। आप ये चीज़ जान रहे होंगे कॉमुटेटिव लॉ, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप, यदि क्लास फोर सिक्स सेवन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। कॉमुटेटिव लॉ होता क्या है, जैसे टू प्लस थ्री इसका वैल्यू कितना किसके बराबर होगा जी, थ्री प्लस टू के बराबर होगा, मतलब टू इंटू थ्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, थ्री इंटू टू के बराबर होगा। तो इस तरह का यदि रूल फॉलो होता है तो उसको बुलाता है कॉमुटेटिव लॉ, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर, तो बी प्लस ए के बराबर। तो इस तरह से जो रूल फॉलो होता है वो कहलाता है कॉमुटेटिव लॉ। तो बोल सकते हैं कि अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एस, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एस, मान लीजिए कोई एक सेट एस है और बाइनरी ऑपरेशन मेरा क्या है जी वहाँ पे स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन क्या ले लिए हैं स्टार, इज सेड टू बी कॉमुटेटिव, इज सेड टू बी कॉमुटेटिव, उसको कॉमुटेटिव बोला जाएगा, इज सेड टू बी कॉमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कॉमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो जाए बी स्टार ए।
जब ए स्टार बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाए जी, बी स्टार ए के बराबर, और फॉर ऑल और ए और बी दोनों कहाँ बिलोंग करेंगे, जो सेट एस जो दिया रहेगा उससे बिलोंग करेंगे। जब ए स्टार बी का वैल्यू बी स्टार ए के बराबर हो जाए तब उसको बोलेंगे दिया गया बाइनरी ऑपरेशन क्या है जी, तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो बाइनरी ऑपरेशन है वह होता है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में हम लोग जानते हैं कि तीन एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं। जैसे मान के एसोसिएटिव लॉ, जैसे मान के लिए ए प्लस बी, ए टू प्लस थ्री प्लस फाइव, तो पहले यदि इन दोनों को ऑपरेट करें तो इसका वैल्यू वही होगा जो थ्री टू को बाद में करेंगे और जाएगा थ्री प्लस फाइव के बराबर। तो इस तरह का जो रूल फॉलो होता है वो क्या कहलाता है, एसोसिएटिव। जैसे मान के चलें ए बी इंटू सी का वैल्यू ए इंटू किसके बराबर हो जाए, बी सी के बराबर। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। तो बोल सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एस इज सेट टू बी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ क्या होना चाहिए, ए स्टार बी, बी स्टार सी का वैल्यू वही होगा जो ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू होना चाहिए। तो बोल सकते हैं फॉर ऑल ए बी सी कहाँ बिलोंग करेगा जी, उस सेट एस में। तो क्या बोलेंगे, ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू वही होगा जो ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होगा, तब उसको क्या बोला जाएगा, एसोसिएटिव। मतलब एसोसिएटिव में तीन एलिमेंट्स आपको लेने हैं तो तब बोल सकते हैं कि वो क्या है, एसोसिएटिव। यदि ये एसोसिएटिव है तो डायरेक्ट इसको शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकते हैं कि एस स्टार इज क्या चीज जी, एसोसिएटिव। शॉर्ट में यदि बोल रहे हैं एस स्टार एसोसिएटिव है, मतलब एस कोई सेट है उसके जो एलिमेंट्स है तीन एलिमेंट को यदि इस स्टार के साथ ऑपरेट करें तो वह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, वो ये बताता है। तीसरा ये हम लोग को पढ़ना है, तीसरा जो है वह डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है जी, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। जैसे मान के चलिए a इन टू यहाँ पे है b प्लस सी, तो क्या हो जाएगा यार, a इन टू बी प्लस ए इन टू सी। तो ये भी एक तरह का किसका एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। किसका है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एग्जांपल है। तो बोल सकते हैं कि मान लेते हैं लेट s बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार एंड o बी टू बाइनरी ऑपरेशन। लेट कर लेते हैं कि s बी अ सेट, मान लीजिए एस क्या है जी, कोई एक सेट है, सेट मतलब कैसा सेट, नॉन एम्प्टी सेट, बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार एंड ओ बी टू बाइनरी ऑपरेशंस। मान लीजिए कि ए कोई एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार एंड ओ दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, कहाँ पे जी, ऑन सेट एस, कौन सा सेट में, ऑन सेट एस, इस सेट एस में। तो बोल सकते देन स्टार इज सेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव, देन स्टार इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव
ओवर ओ, ओवर किसको है स्टार को, डिस्ट्रीब्यूटिव बोला जाएगा ओवर ओ, इफ फॉर ऑल, इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू किसके अंदर जी, ए बी सी कहाँ बिलोंग करेगा, तो एस के अंदर कोई एक सेट जो था उसके अंडर में बिलोंग करेगा, और उसके अनुसार से प्रॉपर्टी क्या फॉलो करना चाहिए। चलिए इसको आप नोट कर लें, उसके अनुसार से ये होना चाहिए कि ए स्टार बी ओ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, ए होना चाहिए, तब उसको क्या बोला जाएगा एसोसिएटिव, या तो इसको बोल दें हम लोग ऐसा एंड बी ओ सी स्टार ए, बी ओ सी स्टार ए से अपोरेट करें तो कितना हो जाएगा जी, बी स्टार ए ओ हो जाएगा सी स्टार ए, ये चीज। तो इस प्रॉपर्टी को यदि फॉलो करें तो वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो तीन तरह का हम लोग को पढ़ना था बाइनरी ऑपरेशन, कौन कौन, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। चलिए इसको आप नोट कर लें, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है आइडेंटिटी एलिमेंट। आखिर आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ये क्या होता है, हर एक बाइनरी ऑपरेशन के अनुसार से आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि आप आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में आप पढ़ रहे हो जानते होंगे, मतलब जैसे मान के एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट अलग होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट कहने का मतलब है यदि कोई नंबर है उसके साथ, यदि एडिशन का साथ, एडिशन का बाइनरी, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें, कोई नंबर है उसमें क्या ऐड करें कि उसके रिजल्ट में कोई प्रभाव ना पड़े, कोई नंबर है उसमें क्या ऐड करें कि सेम वही रिजल्ट रहे, और जिस जो नंबर ऐड करने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो जो नंबर ऐड किए हैं वह उसका क्या कहलाता है, आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पे टू एक नंबर ले लिए, इसमें हम क्या ऐड करें कि रिजल्ट टू ही रहे, तो क्या ऐड करना पड़ेगा जी, जीरो। तो यहाँ पे जीरो एक कैसा एलिमेंट की काम कर रहा है, या एक आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। जैसे मल्टीप्लिकेटिव के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में यदि टू एक नंबर है उसको हम कितना से गुना करें कि आंसर टू ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वन। तो वन भी एक कैसा एलिमेंट है, तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग ऑपरेशंस में क्या होता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है इन जनरल, जनरल आइडेंटिटी एलिमेंट, जनरल आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो मान लेते हैं लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन और नॉन एम्प्टी सेट ए, लेट स्टार बी आ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। मान लिया स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, और एक एलिमेंट, एन एलिमेंट, एक एलिमेंट मान लेते हैं कौन जी, ई, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में। मान लिए कोई एक एलिमेंट ई है जो बिलोंग कर रहा है ए में, इज कॉल्ड एन, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको क्या होगा, इस ई जो एलिमेंट है, एक मान लिए एलिमेंट कौन सा ई, जो कहाँ बिलोंग करेगा, तो नॉन एम्प्टी सेट ए में, और उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाएगा फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन
स्टार इफ क्या हो जाए जी ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या हो जाए ए, या तो बोल दें ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या हो जाए जी ए। यदि ऐसा हो जाए तब इसको क्या बोला जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। जैसा कि बोले यदि हम यहाँ स्टार के यहाँ पर प्लस ले लें तो इसमें क्या ऐड करें कि रिजल्ट वही सेम रहे, तो ऐड करना पड़ेगा जीरो, तो जीरो क्या होगा एक आइडेंटिटी एलिमेंट। वही लिखें ए स्टार ए को एलिमेंट है ए जो सेट ए से है, ई भी को एलिमेंट है जो सेट ए का है, उन दोनों के साथ यदि बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो एक एलिमेंट ए आ रहे हैं, मतलब इसको यहाँ ऑपरेट करने पर उस नंबर पर कोई प्रभाव ना पड़े, रिजल्ट में कोई चेंजिंग ना हो, मतलब उस स्टार ए को एलिमेंट है उसमें कोई नंबर से हम लोग यदि ऑपरेट करें तो उस कोई दूसरा नंबर पर कोई रिजल्ट प्रभाव ना पड़े, तो जिसको ऐड किए हैं आ तो जो ऑपरेट किए हैं वह एलिमेंट क्या कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि उसको ऑपरेट करने पर रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उस एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा वही रहा, तो ये जो एलिमेंट कहलाएगा क्या चीज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन टू ऑपरेशन क्या करता है वैरी करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इसके बाद एक हम लोग थ्योरम भी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। चलिए फिलहाल अभी यहाँ तक नोट कर लें, आज के लिए इतना ही, अब इसके बाद कुछ कुछ और क्या पढ़ना है तो दो थ्योरम पढ़े देखें, इनवर्स देखेंगे, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इन्वर्टिबल एलिमेंट देखेंगे, फिर दो थ्योरम देखना है, फिर बाइनरी ऑपरेशन टेबल मतलब कॉम्पोजिशन टेबल जो होता है वो कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।